दिव्या अग्रवाल के सगाई पर अब तक उठ रहे हैं सवाल। यूजर्स पूछ रहे हैं, अगर 7 साल से अपूर्व के साथ हो तो क्या वरुण से कभी सच्चा प्यार था भी या नहीं। इन सारे आरोपों पर दिव्या अग्रवाल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है सारे ट्रोलर्स को। क्या कुछ कह रही है दिव्या अग्रवाल अपने रिश्तों के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। बिग बॉस ओटीटी की विनर रह चुकी दिव्या अग्रवाल आजकल काफी सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने अपने 30वें जन्मदिन पर अपने फैंस और अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी, जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने बॉयफ्रेंड अपूर्व के साथ अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वरुण के सपोर्ट में आकर दिव्या अग्रवाल को जमकर ट्रोल करते हुए नजर आए। ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने दिव्या अग्रवाल को गोल्ड डिगर तक कहा। यहाँ तक कि ये भी कहा कि दिव्या अग्रवाल जब लिव इन रिलेशनशिप में थी वरुण के साथ, तो उस वक्त सबसे बड़ी चीटर वो थी, ना कि वरुण सूद। सबका मानना है कि वरुण सूद अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे, लेकिन दिव्या अग्रवाल उनके साथ बस एक प्यार का खेल खेल रही थी। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्विटर पर दिव्या अग्रवाल ने फिर से अपने बॉयफ्रेंड अपने फियांसे अपूर्व के साथ एक फोटो शेयर की है। ये फोटो उनके बर्थडे की ही है, लेकिन इसमें एक खास चीज है जो लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ पर दिव्या अग्रवाल ने कैप्शन में लिखा है कि हे कोको, 7 साल हो गए और देखो आज हम कहाँ हैं। जहाँ हम पहले एक दूसरे के बारे में जो चीज सोच भी नहीं सकते थे, आज वो हम बन चुके हैं। थैंक यू माई अनफिल्टर्ड बॉय। दिव्या अग्रवाल की ये 7 साल वाली बात नेटिजन्स के गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि हाल ही में जुलाई में दिव्या अग्रवाल ने अपने 4 साल रिलेशनशिप को खत्म किया जो वरुण सूद के साथ था। दिव्या अग्रवाल वरुण सूद के साथ 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। दिव्या अग्रवाल की इसी बात को लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब लोगों का एक सवाल आ रहा है कि अगर आप 7 साल से अपूर्व के साथ थी तो वरुण सूद के साथ 4 साल तक आपने क्या किया? क्या आपका प्यार सच्चा था या फिर सिर्फ एक खेल? या फिर अगर आप 4 साल तक वरुण सूद के साथ थी तो 7 साल के बीच में अपूर्व आपके साथ आपके रिश्ते में कब एंटर हुए? इन सभी चीजों पर इंटरव्यू के दौरान दिव्या अग्रवाल ने सभी ट्रोलर्स को जवाब दिया है। दिव्या अग्रवाल ने कहा है कि मैं अपूर्व को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड के अलावा वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। उस वक्त अपूर्व ने मेरी मदद की। वरुण को डेट करने के पहले मैं अपूर्व को डेट कर चुकी हूँ, लेकिन तब हमारा ब्रेकअप हो गया। अपूर्व से ब्रेकअप होने के बाद मुझे वरुण से प्यार हुआ। हमने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया, लेकिन वरुण से मेरे रिश्ते ठीक नहीं हो पाए, इसलिए हम दोनों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। अपूर्व को मैं एक ऐसा इंसान मानती हूँ कि वो मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त है। अगर मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपूर्व के पास जा सकती हूँ, इस बात का मुझे विश्वास है। अपूर्व से जब मैं दोबारा मिली वरुण से ब्रेकअप के बाद, तो बिल्कुल भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अपूर्व मुझे प्रपोज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि अपूर्व जैसे इंसान से ही मुझे शादी करनी है। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मेरे बारे में कंसर्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसका जो मन में आएगा वो कुछ भी कहता चला जाएगा। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज को लेकर थोड़े सेंसिटिव बिहेव करें। तो दिव्या अग्रवाल ने अपने ट्रोलर्स को, अपने दर्शकों को जवाब तो दे दिया है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि ये जो नेटिजन्स है वो दिव्या अग्रवाल को अकेला छोड़ते हैं या नहीं, और अब वरुण सूद का इस पूरे सिनारियो पर क्या कमेंट आएगा, ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।